हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीज ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस यूज करते हैं दोनों की फोकल लेंथ को हम शॉर्ट रखते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं देखो इसके लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए हम क्या चाहते हैं कि चाहे हम माइक्रोस्कोप यूज करें या हम टेलीस्कोप यूज करें हम चाहते हैं कि उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या हो लार्ज हो मैग्नीफाइंग पावर या मैं कह सकती हूँ एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए इफेक्टिव एंड लार्ज होना चाहिए इफेक्टिव एंड लार्ज क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर जितना इफेक्टिव और लार्ज होगा हमारी जो इमेज होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी क्लियर बनेगी और बिग बनेगी ठीक है और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो क्लियर बने बिग बने इंटेंस बने ठीक है इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफाइंग पावर होता है उसका फॉर्मुला जो होता है एम इक्वल्स टू वी नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई ठीक है ये फॉर्मुला होता है मैग्नि मैग्निफाइंग पावर का किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए तो देखो वी नॉट जो है वो तो किसकी है डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है यू नॉट दिस इज यू नॉट ये क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इस तरह से और आई पीस को थोड़ा सा इससे बड़ा रखा जाता है लेकिन दोनों की फोकल लेंथ शॉर्ट रखी जाती है ये यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आई पीस है वो हमारी होती है यू नॉट इसकी फोकल लेंथ होती है एफ नॉट और इसकी फोकल लेंथ होती है एफ ई और डी जो होती है वो आपकी होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है जो कितनी होती है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होती है फॉर आई इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर एफ ई जो है वो आई पीस की फोकल लेंथ एफ नॉट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है तो देखो U0 जो आपका हो गया वो तो डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट तो है और एफ नॉट और एफ ई जो गई फोकल लेंथ हो गई है ठीक है अब इक्वेशन वन से मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर मुझे एम को इंक्रीज करना है तो मुझे जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा और देखो एफ ई भी मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है और एफ नॉट भी मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका मतलब अगर मुझे एम की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मुझे एफ नॉट और एफ ई दोनों को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा इसीलिए यही रीजन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफाइंग पावर को इंक्रीज करने के लिए दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को हम क्या रखते हैं स्मॉल रखते हैं ताकि हमारी मैग्निफाइंग पावर इंक्रीज हो जाए इफेक्टिव हो जाए जिससे हमारी इमेज क्लियर और बेग बने I hope you understood well. All the best.